गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल हमारा एक एनसीईआरटी की रिएक्शन है एमाइंस चैप्टर में, उसका प्रैक्टिकल है। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर वो रिएक्शन दिखा देता हूँ, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिएक्शन है हमारी, एमाइंस चैप्टर है हमारा, ठीक है। एमाइंस चैप्टर के अंदर ये हमारा एमाइंस चैप्टर है, आप देख सकते हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है और एमाइंस चैप्टर है हमारा। उस चैप्टर के अंदर ये एमाइंस चैप्टर है हमारा, एमाइंस इस चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन दी है एनिलीन की, और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर में आती है। रिएक्शन का नाम है ब्रोमिनेशन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एनिलीन जो होता है, एनिलीन वो रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब ब्रोमीन वाटर साथ लिए गए हैं और एनिलीन से रिएक्शन कराई गई है, तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। वैसे कि हम देखते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप होते हैं जनरली वो एक ऑर्थो और पैरा पर बनाते हैं, लेकिन एनिलीन के केस में ऐसा नहीं होता है। एनिलीन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तीनों पोजिशन पर लग जाता है, क्योंकि NH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस वजह से ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा और पैरा, ऑर्थो और पैरा सारी पोजिशन पर जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। अब इस रिएक्शंस को हमें करा के देखना है कि ये रिएक्शन होती कैसे। चलो तो हम देख लेते हैं इस रिएक्शंस में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। एक तो एनिलीन का इस्तेमाल करेंगे, एनिल जैसे में लिखा हुआ है C6H5NH2, और इसका जो आप मोलर मास निकालोगे वो निकल कर आएगा 93.19। ब्रोमीन वाटर लेंगे, है ना, क्योंकि ब्रोमीन जो लेनी है वाटर पे लेनी है। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो ब्रोमीन वाटर बन जाती है, ब्रोमीन वाटर बन जाता है ना। लेबोरेटरी रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन मैं एनिलीन से कराऊंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या मुझे वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या नहीं मिलता है। चले भाई, तो हम 1/1 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। तो आप देखिए टेस्ट ट्यूब मैंने ली है यहाँ पर, ठीक। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर अब मैं पहले एनिलीन लूँगा, ठीक है। एनिलीन सबसे पहले हम लेंगे, तो एनिलीन जब हम लेंगे तो ये मैं ड्रॉपर से एनिलीन को इसमें ले लूँगा, ठीक है। ये मैंने ले ली है एनिलीन, तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो ये एनिलीन को मैं ड्रॉपर से इसमें फिल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एनिलीन को ले लिया है, ठीक है। ये मैंने एनिलीन को इसमें फिल कर लिया। एनिलीन को लेने के बाद इसमें ब्रोमीन वाटर मिक्स करेंगे, है ना, और रिएक्शन होने पर हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता भी है क्या नहीं। अब मैं ब्रोमीन वाटर को लूँगा, ब्रोमीन वाटर लूँगा मैं यहाँ पे। तो ये मैं ब्रोमीन वाटर ले रहा हूँ, इसमें ब्रोमीन वाटर देखो ये होता है, ब्रोमीन वाटर है इसमें, मैं ब्रोमीन वाटर मिक्स कर रहा हूँ अभी। ये मैंने ब्रोमीन वाटर मिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी तक कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शेक करूंगा, डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं इसमें वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट जो है आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं इसको अभी डिसॉल्व कर रहा हूँ, शेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद इसमें वाइट प्रेसिपिटेट आगे आएगा नहीं आएगा। अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अभी रिएक्शन कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही रखा जाएगा और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद इसमें वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए रिएक्शन हो रही है अभी, अब आप देखें कि कुछ वाइट प्रेसिपिटेट आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे इतना वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा कि आपको क्लियर कट दिखाई देगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन रिएक्शन जो है हो जाती है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ अच्छे तरीके से ताकि ये डिसॉल्व हो जाए और वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए। इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा, देखो आप ये डिसॉल्व हो गया है और वाइट कलर, वाइट प्रेसिपिटेट आपको धीरे धीरे हल्का हल्का नज़र आ रहा है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट आपको नज़र आएगा इसमें पूरे अच्छे तरीके से, अभी आप देखना ज़रा, जैसे जैसे थोड़ा टाइम पास होगा वाइट प्रेसिपिटेट आपको बिल्कुल नज़र आएगा, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का
वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल जाता है। आप देखें, आप ऊपर देखें, क्या वाइट प्रेसिपिटेट आता हुआ नजर आ रहा है? जरा देखिए, देखिए अब जरा ध्यान दें, देखिए बेटा ध्यान दें, वाइट प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो गया क्या पूरा? बेटा जरा ध्यान दें, क्या वाइट आ गया कि नहीं आ गया बताएं, जरा बताएं भाई, वाइट आ गया कि नहीं आ गया है? देखिए भाई, बेटा ध्यान दें इस चीज़ को आप जरा देखें कि वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ दिखा है कि नहीं दिखा है। देखो यही तो है एनसीईआरटी में, यानी कि ये रिएक्शन अगर आप देख लोगे तो आपको रिएक्शन इस तरीके से याद हो जाएगी कि गलत होने के चांस ही नहीं है। वाइट प्रेसिपिटेट आपको बिल्कुल आता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ टाइम बाद जब आप इसको ऐसे रखोगे पूरा वाइट हो जाएगा और पूरा आपको वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट आता हुआ नज़र आ रहा है, देखिए ज़रा क्या वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, यही तो है एनसीईआरटी में, यही तो लिखा है 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट आपको नज़र आता है, यही तो एनसीईआरटी में है। देखो आप देखिए ज़रा क्या वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा था नज़र आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे वाइट प्रेसिपिटेट इसमें आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छा खासा वाइट प्रेसिपिटेट आता हुआ नज़र आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन कराते हैं, और एनसीईआरटी की इक्वेशन को हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे। बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में बोर्ड में अक्सर ये पूछी जाती है ना। चले, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय, सी यू।